अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। कुतिया हो मेरी कुतिया, भाइयो स्वागत है तुम्हारा एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह मेरी एक नई वीडियो में। जैसा कि तुम लोगों ने बोला ही था कमेंट में कि भैया जी फैक्ट्री ना उतरिए, वहाँ पे आप जाते हैं तो आपका जो मारने का तरीका है वो कम हो जाता है। ऐसी ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पे बंदे अच्छे हैं, ग्रैंड मास्टर वाले या फिर हीरोइक वाले, तब आपका जो भरोसा है बंदों का मारने का वो एकदम इंटू 100 हो ही जाएगा। तो लो फिर मैं आ गया तुम्हारे कहने पे क्लॉक टावर, लेकिन यहाँ पे इतने सारे बंदे आ जाएंगे ये तो मैंने नहीं सोचा था। अब तुम लोगों ही जिम्मेदार होंगे अगर मैं मरता भी हूँ तो। हाँ मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे भरोसे तुम टेंशन ना लो, अभी तुम्हारा भाई खाली कर देगा क्लॉक टावर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। मैं सोचा कि भाई नया रैंक सीजन है तो फायदा उठा लेते हैं चीज का। वैसे भी क्या है ना, अब बंदे भी अच्छे अच्छे आएंगे तो हमारी क्या बोलते हैं वीडियो भी बढ़िया बन जाएगी। अब वीडियो अच्छी बन जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो फायदा तो हुआ हमारा रैंक मैच खेलने का, नहीं तो रैंक मैच खेलने मैं पूरा दिन रैंक मैच खेलते नहीं। मैं खेलता हूँ सीएस या फिर कस्टम हो गया, या फिर 2-4 अगर कोई टूर्नामेंट के लिए बुला लेते हैं तो वो खेल लेते हैं, नहीं तो मैं रैंक मैच कहाँ ही खेलता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत तो खेल ही लेते, क्या कर सकते हैं, जरूरी है ना। चेहरा है या चांद खिला है, गुल्फ अंधेरी शाम है क्या, सुअर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तू छुपी है कहाँ। अच्छा वो रही, वो रहा है विनोद का बच्चा साला, इसकी तो चूतड़ फाड़ देंगे अभी एनटी बोलते आया मार। ओहो बच गया, 1 मिनट खिड़की पे ही मार रहा है एंटे लेके, और इसी के साथ हेडशॉट 37 का डैमेज। बाप रे बाप, लगता है बंदे ने रूपा बनियान नहीं पहनी है। बंदे नीचे बहुत कुत्ते की तरह लड़ाई कर रहे हैं आपस में, जैसे एक दूसरे से कर्जा ले रखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इनका कर्जा मैं पुख्ता दूंगा, नहीं कर्जा मैं चुकता दूंगा। ये लोग टिकटॉकर की औलाद, भाग रहे मूवमेंट। ये मूवमेंट ना अपने टिकटॉकर के बंदों को जाके दिखाना बाबू। ये एक सेकंड यहाँ पे खड़े हो जाते, ये खुद ही ले अब तो खड़ा ही हो गया एक जगह। रुको जरा ये कोने पे, इसको मैं 2 मिनट भी नहीं, इसको मैं 2 सेकंड में माथे से फाड़ दूंगा, नसे फाड़ दी, बहुत बढ़िया। बोलो जुबान केसरी हेडशॉट के साथ टिकटॉकर खत्म। यार व्हाट द डैम मैन, ये क्या है, बंदे गुच्छे में आए थे, मात्र 3 किल मिले हैं और बाकी बंदों का अता पता नहीं, कोई कहाँ भाग गया कोई कहाँ भाग गया रिवाइव देने, ऐसे कैसे होगा। नहीं 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 मैं तो जा रहा कहीं और बंदे ढूंढने। चूतड़ पुकारे मुझे, धोने को बोले मुझे, लेफ्ट में बंदा। मैंने यहाँ पे आया इसलिए था क्योंकि रिवाइल पॉइंट हुआ था 2 सेकंड के लिए चालू, फिर लाइट बंद हो गई। मैं कोई छेड़खानी कौन कर रहा है, कौन बच्चों की तरह खेल रहा है, लाइट खोल रहा है बंद कर रहा है, 2 बंदे सामने से आ रहे हैं, ये मैं रिवाइव वाले बंदे को मारो भाड़ में मारो गोली, निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। नहीं निकलना क्यों है, 1 सेकंड रुको, भाग मत। मैं बहुत भाग लिया भाई पिछले, जब मैंने एक चीज खुद में नोटिस करा है, जब जब मैं भागता हूँ ना बंदों से, यार साले ऐसा मारते हैं ना, ये देखो कपड़े से तो ऐसे लग रहे हैं मेरे को, मगर और गजब यार क्या नसे फाड़ दी। एक बंदा डोरेमोन के गज में बहुत पीछे, लेकिन मैं उसको मारूंगा बाद में, पहले अरे बढ़िया दोनों के दोनों नोक। अब तीसरा बंदा कहाँ है पड़ा, और पीछे से पड़ी मेरे को शायद से, रुको जरा देख। ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई, मैंने बोला था चूतड़ पुकारे मुझे, तुम लैटिन को थोड़ी बुलाया था किसी ने। अरे यार ये चकली कितने पूरे, क्या बात कर रहे हो, पूरे मारे क्या, एक सेकंड, झंडा 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 जल्दी बेबी, मेरे आलोक के बच्चे फटाफट जाए। हाय एक बात तो है आलोक पे, ये ना ऐसे वाले बाल बड़े शूट करते, कसम से बता रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने करंट का शॉक दे दिया बेचारे को, एकदम मीशो से मंगाया हो अभिषेक बच्चन। मेरे को तो मिल गई थी चाबी, चाबी लेके चला गया था मैं तिवारी सेठ के घर में, यानी कि बंदूकों का एटीएम, वहां से उठाई मैंने लेवल 3 की M10। उसके बाद ये देखा तो ये फिर से लाइट चालू हो गई इसकी, मतलब कि ये चाहते हैं, ये साले जिद हैं एक नंबर के कि मेरे को मारो। ये बंदे तो नहीं आने वाले, खैर इसके मगर ये तो मर गया। ये ड्रैगन नो बड़ी तगड़ी चल रही है यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, ड्रॉप से निकाली थी मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले, है तो बढ़िया। इसका डैमेज देखा जाए तो ओपी, इसकी आवाज सुनी जाए तो वो भी ओपी है, और क्या बोलते हैं, इसका रेंज जो है वो भी देखो एकदम ओपी, मतलब इस बंदूक का नाम ड्रैगन नोब क्यों रख रखा है, ओपी रख दो ना। जोक था ये भी, ऐसी था मतलब
मतलब सेकंड हैंड था थोड़ा ना। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो बंदे रिवाइव हुए हैं वो तो देखो जोन के बाहर आएंगे, और जोन के बाहर अगर उनको लूट चाहिए तो वो इस घर में आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आ रहे हैं। देखो 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 मारा भैया, मैथमेटिकल्स में बहुत एकदम पुअर था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर दिमाग लड़ाए ना तो बहुत सही चलता है। इसका रेट ऑफ फायर भी एकदम ओपी है वैसे ड्रैगन ओप का, ये मैं बताना भूल गया तुम्हें। तो ड्रैगन ओप भी ठीक है इसका नाम। खैर अभी भीमा शक्ति पे बाकी है, बाकी बंदे भीमा शक्ति पे होंगे, वो भी ढूंढ ही लेंगे हम जल्दी। अरे देखो ना यार, ये बचने की कोशिश तो कर रहा है, बेचारे पे ग्लू होल नहीं है, अब खाली हाथ होगा तो क्या कर सकते हैं। बढ़िया है बढ़िया है, नो किल आ चुके हैं मेरे सजदे में, नोवा डाउन है ना। भाई लोग यार थोड़ी सी आज वीडियो लेट डाली है मैंने, बिकॉज क्या है ना थोड़ा सा मैं आज संडे था, थोड़ा लेट उठा था, देन उसके बाद तो मेरे पास किल की बौछार हो रही है यार। गजब 11-12 को भी मैं यार, मेरे से ना पता नहीं क्यों ड्रैग हेडशॉट आजकल कम ही लग रहे हैं, मतलब स्कोपिंग करके ड्रैग हेडशॉट का। अरे बाप रे बाप, किसने चला दी स्नाइपर ये? अच्छा मैं समझ गया, तुम लोग समझे नहीं, तुम लोग समझे नहीं, यहाँ पे बंदे बहुत सारे हैं, मतलब ये एक सेकंड मुझे ना पास चाह रहा है, मतलब कि ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा रॉयल है, रिच एकदम बंदों से भरा हुआ, ठीक है अच्छी बात है, फायदा तो हमारे लिए है ना। मगर अगर कोई साथ में आगे 4-5 बंदे यानी कि एक साथ स्क्वाड वाले तो मेरे लिए रिस्क की लेवल बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर हमें नया मैच खेलना पड़ेगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होने वाला, आपको इसी मैच में भुया देखने को मिल जाएगा। अरे मतलब भुया पता नहीं, मुझे भी देखना, अभी उम्मीद तो यही है भुया हो जाएगी यार, सारे गेम में हम भुया की उम्मीद लेके चलते हैं, जाहिर सी बात है, मगर लेने के देने और देने के लेने कहीं भी पड़ सकते हैं। टावर पे बंदा है ये, अरे उरे बाप रे बाप यार, ये 338 का जो हेडशॉट था ये अगर पहले लग जाता ना बॉडी शॉट से तो चांदी का सुहागा हो जाता, नहीं तो सोने पे सुहागा हो जाता, चांदी बोल रहा। आजकल तो कहावत भी गलत हो रही है। मैं साहब ओ माय ग्रोसरी शॉप, ओ देखो ऊपर लड़ने चला गया साले को, किल लेना है पर तेजाब में जरूर गले गए, मजा ही आ गया भाई यार। चांदी पे सुहागा। अरे यार अभी मजा ही, ओ माय गॉश, ओ भाई साहब क्या ही कर सकते हैं, ये वाला किल ले लेते हैं, उसके बाद एक मिनट लेफ्ट में, एक मिनट ये कहाँ से गोली की आवाज आ रही है यार इतनी, ये लेफ्ट, अरे देखो ये मैं लेफ्ट में ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये देखो आते ही मिल गया मेरे को 13 किल्स, इट्स नॉट अ इजी मैन, इट्स नॉट अ इजी, इट्स अ वेरी हार्डशिप ऑफ द वेरी बड़ा भयंकर है सब। जोन में तो हम आराम से निकल ही लेंगे, मेरे पे लॉन्चर जो है, अभी तो सारे किल ले के तेरे बीवी का हो गया बच्चा, जल्दी यूज कर इंजेक्शन मार अपनी छाती में। भाई भाड़ में जाए किल वगैरह, मैं यहाँ पे अपना ये डोरेमोन का गैजेट लगा और निकल यहाँ से, इससे पहले मैं जोन के अंदर मर जाऊँ। अरे बाप रे बाप, बस जितना दूर हो सके उतनी दूर खींच भाई से, बस टावर पे एक बार गया। अरे कहाँ जा रहा पानी में, मैं मरने वाला हूँ मेरे को लग रहा है, प्लीज ये लकड़ी तक पहुँच जा ये लग, अरे 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 अच्छे का से गेम की लग गई वाट है, तेरी ऐसी की तैसी साला है, ये कितनी बार हो गया यार, सेम गलती पे गलती है, एक जैसी गलतियां जोन के अंदर, क्या होगा ये। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई जोन के अंदर रहने की, सरवाइव करना है मुझे अब की बार, तो हर बार ऐसी मर रहा हूँ ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं तो जा रहा प्रैक्टिस करने, आप लोग जाने से पहले लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना, मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली ही वीडियो में तुरंत, तब तक के लिए भाई लव यू एंड पीस, साला पीस तो है ही नहीं जिंदगी में।